अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसका नेम है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ममेलियन सेल, कि हम डायरेक्टली कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से हम ममेलियन सेल को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी आउटलाइन देखें प्रेजेंटेशन की कि आज हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी दैट वाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, देन वाट इज़ ट्रांसफेक्शन, थर्ड वन इज मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वट आर द प्रोसेस दैट वी यूज़ फॉर द मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन एंड पे होगा कंक्लूजन। तो अगर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करोगे, आपको बताया जाएगा कि बायोलॉजिकल मैथड्स क्या होते हैं, केमिकल मैथड्स क्या होते हैं, एंड फिजिकल मैथड क्या होते हैं। ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट जीनोम। अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक पार्ट है डीएनए का। जीन बेसिकली क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो हमने एक जीन लिया है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि हमें इंसुलिन का जो जीन है इसकी मल्टीपल कॉपीज मिल जाएँ। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, देन हमने क्या करना है, हमने बैक्टीरिया से अपना प्लाज्मिड लेना है। प्लाज्मिड जो है वेक्टर होता है, आपको पता है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि जो हमारे पास प्लाज्मिड होता है हम उसे एज अ व्हीकल, एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं फॉर दी ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो हमने क्या लेना है, प्लाज्मिड ले लेना है। प्लाज्मिड जब हम ले लेंगे, हमने क्या करना है, उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उसे कट करेंगे और उसके स्टिकी हेयर्स बना देंगे। तो जब वो कट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे इन अ प्लाज्मिड। तो हमारे पास जीन वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, हमें इसे क्या करना है, हमें होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है कि इसके हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएं। तो होस्ट सेल हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो हमें इसे बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो वाला प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट सेल के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस होते हैं वो डिफर करते हैं, वो फिजिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, वो केमिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, और वो बायोलॉजिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सारे मेथड्स को कि किस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर हमें अपने डिज़ायर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है वो किसने डिस्कवर किया, तो 1920 में इंग्लिश फिजिशियन थे एफ ग्रिफिथ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो अलग से एक टॉपिक है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो उसका जो रिजल्ट था उसमें ये पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है ये सबसे पहले ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन से होते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो है बाइंडिंग। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमने उसे क्या करना है, उसकी बाइंडिंग करनी है होस्ट सेल के साथ। सबसे पहले प्रोसेस हो जाएगा बाइंडिंग। देन हमने क्या करना है, जो हमारा डीएनए है उसकी फ्रेगमेंट्स करनी है। जब उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे तब ही वो इजीली जो सेल है हमारा, होस्ट सेल है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, देन फिर उसके बाद फ्रेगमेंट्स के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन अ सेल, देन उसका अपटेक हो जाएगा, सेल उसे अपटेक कर लेगा, उसे ले लेगा। जब उसे ले लेगा तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जो हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है उसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, लाइसिस मीन उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो इजीली क्या करेगा, जो हमारा होस्ट सेल है उसके जो डीएनए है उसके साथ इजीली इंटीग्रेट कर जाएगा।
तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफेक्शन। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग न्यूक्लिक एसिड इनटू यूकेरियोटिक सेल। अब जो हमने ये सारे प्रोसेस पढ़ लेंगे, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल है, लेकिन इसमें कुछ नेचुरल भी हैं। तो जो आर्टिफिशियल है उसमें हमारे पास आ जाता है फिजिकल मेथड्स, कि हम फिजिकली सेल को चेंज कर रहे हैं, देन हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग न्यूक्लिक एसिड इनटू यूकेरियोटिक सेल। तो अगर हम इन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास एक तो होता है फिजिकल मेथड, कि हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेल के अंदर एक ऑपरेशन कर रहे हैं डीएनए की, प्लस हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। अब ये जो दोनों मेथड्स हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम डायरेक्टली सेल को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन मेथड्स को यूज़ ना करें, हम कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस यूज़ करें जिसमें हम वेक्टर को यूज़ करते हैं, तो वेक्टर की मदद से जो प्रोसेस होगा, जिस वेक्टर के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफेक्शन होगी सेल की, तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है। ओके, हमारे पास पर्पस ऑफ ट्रांसफेक्शन, कि हम ट्रांसफेक्शन करते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। टू स्टडी द फंक्शन ऑफ जीन्स, कि हम क्या कर सकते हैं, जीन्स का फंक्शन देख सकते हैं कि एक जीन दूसरे सेल में जाके क्या एक्सप्रेस कर रहा है। देन टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इन ममेलियन सेल, जिस तरह हमने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को इनकॉपरेट करेंगे होस्ट सेल के अंदर, जब वो जाएगा बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंसुलिन मिल जाएंगी। डिजीज फ्री सेल, हम सेल को जो है उसका डीएनए लेके हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन है उसको कट कर सकते हैं, उसकी जगह हम जो हमारे डिजायर जीन है उनको इनकॉपरेट करेंगे, तो हम डिजीजेस को भी उनका जो तो हम डिजीजेस को भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक टेबलर फॉर्म में आपको सारे मेथड बता दिए हैं जो हम आगे वन बाय वन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो टाइप की है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम किसी भी वेक्टर का, किसी भी व्हीकल का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं और सेल में चेंजेस लाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अगर हम फिजिकल मेथड देखें, इसमें आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन, सोनोपरेशन, बायोलिस्टिक, लेजर मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन, ऑप्टिकल ट्रांसफेक्शन एंड इलेक्ट्रोपरेशन, ये हम वन बाय वन करने वाले हैं। केमिकल मेथड्स में हम देख लें तो कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, DEAE, डेक्सट्रॉन मेथड एंड लिपोफेक्शन, ये सारे केमिकल मेथड्स में आ गए। जो दूसरी टाइप है हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि हम सेल के अंदर चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ऐसा मेथड जिसमें हम एक वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को लेते हैं, ठीक है, और प्लाज्मिड के थ्रू उसे, प्लाज्मिड को हम या किसी वायरस के अंदर या फिर हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जहाँ पे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है और हमें अपना डिजायर जीन मिल जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले तो आपने इसे लाइक करना है, देन सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।